सुशांत की मौत के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ था, जस्टिस फॉर सुशांत। इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो हुआ टीवी चैनल्स को, जो चैनल रोते पिता और बिलखती बहनों को लाइव दिखा रहे थे, टीआरपी बटोर रहे थे। उन्हें तो 2-3-4 महीने का एक इवेंट मिल गया था। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुसाइड के लिए मजबूर करने, जहर देने, बैंक खाते से रकम निकालने, चोरी, धोखाधड़ी, षड्यंत्र और अवैध तरीके से रोक कर रखने और परिवार वालों से दूर करने का इल्जाम लगाया। लेकिन न सीबीआई को रिया के खिलाफ कत्ल का कोई सबूत मिला, न ईडी को बैंक में हेराफेरी करने का। तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट, सप्लाई और फाइनेंस के लिए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने के लिए एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार तो किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रिया की गिरफ्तारी का सुशांत के मौत की जांच से कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा बताया गया कि सुशांत डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। ड्रग्स की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनसीबी ने कोर्ट को बताया था कि सुशांत गांजा और चरस लेते थे। सवाल यह है कि जब सुशांत नहीं है तो क्या सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी सीबीआई के अलावा क्या मीडिया के लिए जानना जरूरी था? क्या इसे प्राइवेसी का उल्लंघन और कोर्ट ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल कराकर जांच एजेंसियों ने क्या हासिल किया? दरअसल सुशांत की जिंदगी को एक रियलिटी टीवी शो बना दिया गया जो 2400 घंटे लाइव दुनिया में दिखाई जा रही थी। कुछ न्यूज चैनल्स ने एक परिवार की त्रासदी को सस्पेंस थ्रिलर वाले डेली सोप में तब्दील कर दिया। कोरोना के साये में मनोरंजन तलाशते लॉकडाउन में हर जगह सिनेमा, रेस्टोरेंट, बार, होटल हो न हो, हर घर के ड्राइंग रूम में टीवी से झांकता सुशांत था। और वो लड़की रिया, जो अगर सुशांत अभी जिंदा होता तो हो सकता था कि इन दोनों की शादी हो जाती। न्यूज चैनल्स ने रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। लव, सेक्स और धोखा, लुटेरी दुल्हन, काला जादू, ड्रग्स मंडली और न जाने क्या क्या बातें रिया के लिए कही गई। सुशांत का परिवार महज एक रुमाल बनकर रह गया जो 24/7 न्यूज चैनल्स की बहती नाक पोछने के काम आया। बीजेपी ने प्रचार किया, न भूले हैं न भूलने देंगे, और यही मीडिया ने भी किया। सुशांत की मौत को 24 घंटे का रियलिटी शो बना दिया क्योंकि मीडिया वालों को सुशांत से कोई सहानुभूति नहीं थी। ये सब टीआरपी कमाने के लिए और जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से दूर रखने का एक प्रोपेगेंडा था। कोरोना अपने पीक पर था, प्रवासी मजदूरों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, बाढ़, जीडीपी, चीन और किसान कानून पर कोई बात नहीं हुई, बात सिर्फ हुई सुशांत की मौत के बारे में। जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मौत हुई थी तब सिने ब्लिट्स ने उन पर आर्टिकल छापा था, शीर्षक था द ब्लैक विडो। 30 साल बाद भी न हमारा प्रेस बदला है और न हम। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और जिन लोगों ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बेमतलब की खबरें चलाई उन्होंने उनका परिवार, उनकी प्रेस्टीज को तहस नहस कर दिया। जिन लोगों ने भी सुशांत के नाम पर टीआरपी बटोरा और ये बताया कि ये जस्टिस फॉर सुशांत मांग रहे हैं, उन्होंने दरअसल अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने जर्नलिज्म के एथिक्स के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। और बात सिर्फ न्यूज चैनल्स की ही क्यों की जाए, यूट्यूब पर सुशांत की मौत से जुड़ी हुई इतनी वाहियात और बेमतलब की खबरें चलाई गई जिसका कोई सीमा ही नहीं है। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक कर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और तो और हद तो तब हो गई थी जब सुशांत मामले में कई YouTube चैनल्स ने यह दावा किया कि सुशांत की आत्मा से उनकी बात हो रही है। जी हाँ, हद हो गई, और सुशांत की आत्मा के बारे में इतने सारे वीडियोस YouTube पर अपलोड किए गए जिसमें हर कोई ये दावा कर रहा था कि सुशांत की आत्मा से वो बात कर रहे हैं और सुशांत की आत्मा ये बता रही है कि सुशांत का कत्ल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद न सिर्फ मीडिया में बल्कि YouTube पर भी क्या कुछ नहीं मनगढ़ंत बेमतलब का चलाया गया। बीते दिनों एम्स की रिपोर्ट में भी सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया गया था। हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता के स्टेटमेंट के मुताबिक सुशांत को जहर देने या गला घोटकर मारने की बात सामने नहीं आई थी। इस रिपोर्ट के बाद सुशांत के परिवार और उनके फैंस खुश नहीं थे। इधर इस केस में अब तक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिले हैं।
इस बीच इस केस में ड्रग एंगल भी सामने आया था। इसके चलते सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि एक महीने तक जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। एनसीबी ने ड्रग कनेक्शन में कई पेडलर सहित सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। पहले मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। काफी दिनों तक इस मामले में नेपोटिज्म का एंगल तलाशती हुई मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया था। ऐसे में सुशांत के पिता की शिकायत पर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। तब से इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई ने कई एंगल से मामले की जांच कर ली।